Hey guys, welcome to the new video. So today in this video I am gonna talk about part 2 of the clock session. मैंने जैसे पहला सेशन करा दिया है क्लॉक में, ये लास्ट सेशन है क्लॉक का. तो अगर आप लोग एनमेट, स्नैप और टिस्नेस, SRCC, GBO और CMAT, CET ये सब दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो क्लॉक एंड कैंडिडेट से जो क्वेश्चन होते हैं एनमेट, स्नैप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और SRCC, GBO, टिस्नेट ये सब में. सीमेट का एक क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा, क्योंकि सीमेट में 2019 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं आया, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है. और आई थिंक आप लोगों को पहला वाला सेशन बहुत ही पसंद आया होगा, ठीक है. और आपके अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसकी जरूर रिप्लाई दूंगा. और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है. देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि हम लोग के लिए डेली वीडियोज अभी बन रही है. रीजनिंग क्वांट्स पे भी आएगी अभी. आप लोग जितने रिविजन सीरीज है एनमेट, स्नैप, टेस्टनेट, SRCC ये सब के लिए, सारे MBA एग्जाम्स के लिए चैनल पे आती रहेगी, ठीक है. तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं. आई थिंक जो मैंने पिछला सेशन कराया था उसमें जितने भी क्वेश्चन थे, आई थिंक उसमें कोई डाउट्स नहीं रहे होंगे. तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं. इसमें क्या कह रहा है, आप लोग भी करो ट्राई, ठीक है. जो लोग पहली बार देख रहे हो तो वो लोग साथ साथ चलो, और जो लोग पहले से क्लॉक किए हुए हो उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल सेशन है. यहाँ पे हम लोग हर तरह के क्वेश्चन करेंगे जो भी एग्जाम्स में यहाँ पे आए हुए हैं. द एंगल क्रिएटेड बाई टू हैंड्स ऑफ ए क्लॉक वेन द क्लॉक शोज 5:20 PM इज, ठीक है. तो एंगल आपसे पूछ रहा है. एंगल का मैंने क्या बताया था पिछले सेशन में, थीटा बराबर क्या बताया था, 11/2 m − 30 h, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लोगे आप, 1 सेकेंड. तो यहाँ पे 11/2 m के जगह क्या लगेगा, 20 − 30 × 5, ठीक है. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ये सीमेट में आया था 2019 में. 2 × 10 = 20, तो 1 × 1 = 10 = 150, 40 डिग्री आ जाएगा. तो माइनस से यहाँ पे कोई रिलेटेड नहीं रहता है, यहाँ पे माइनस है तो वहां, यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट सेशन में, माइनस आया तो यहाँ पे आपको कोई देखना नहीं है, सीधा आंसर हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है. गेटिंग, अब चलो आगे चलते हैं हम लोग. इस क्वेश्चन को पढ़ो आप लोग. एट वॉट टाइम आफ्टर 3 PM, आफ्टर 3 PM बोल रहा है, विल द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ द क्लॉक, ठीक है, फॉर कॉन्साइड फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है. मतलब बोल रहा है कि आफ्टर 3 PM में, 3 बजे के बाद, मिनट हैंड आर हैंड आपका कॉन्साइड कब करेगा, ठीक है. मतलब एक के ऊपर कब आएगा, 0 डिग्री बोल रहा है, ठीक है. तो इसमें क्या बता रहा हूँ, ठीक है. तो वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे पहले हम लोग क्लॉक बना लेते हैं. क्लॉक जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्लॉक है. तो अभी ये क्या है, अभी ये 90 डिग्री पे, ठीक है. 3 PM तो ऐसे ही बजेगा, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है, ये 12 होता है, ठीक है. अब देखो मिनट हैंड यहाँ पे जो है, मैं वो बोलूं 1 मिनट में 6 डिग्री, मैंने बताया था ना लास्ट सेशन में, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट मिनट्स, ठीक है, ये हम लोग क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, व्हाट मिनट्स, ये 90 डिग्री हम लोग का, ये तो ऐसे भी 90 डिग्री कर सकते हो. 12 से 1, यहाँ पे 1 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, फिर यहाँ पे 3 रहता है. 12 से 1 30 डिग्री, 1 से 2 30 डिग्री, 2 से 3 30 डिग्री, तो ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, ठीक है. तो आपसे यही निकालना है, मिनट निकालना है, व्हाट का है, तो मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/6 हो जाएगा ना, 6 ही ना इधर आ जाएगा क्योंकि ये इधर है, ठीक है. तो 60 इधर कर, 6 इधर कर दो, 6 × 6 = 6, 6 × 5 = 15 मिनट. तो आपका 15 मिनट पे, मतलब 3:15 पे ये कौन साइड करेंगे, ठीक है. आई थिंक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी. अब चलो आगे चलते हैं. और भी हम लोग यहाँ कुछ नए नए कॉन्सेप्ट लाए हैं, ठीक है. लाइक यहाँ पे
गेन लॉस का लाया हूँ, ठीक है। और लाइक आपके मिरर इमेज के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, वाटर इमेज के क्वेश्चन, मतलब जितने तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो मैं सब लाया हूँ, ताकि आप लोग को इस वीडियो में सारे रिवीजन हो जाए यहाँ पे। और जो लोग पहले भी देख रहे हो कॉन्सेप्ट, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो आप लोग क्लॉक सेशन में सारी जितने प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब आपकी कवर हो जाए। ओके, हाउ मेनी टाइम्स द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ओवरलैप्स, ठीक है, विद द आवर हैंड, ठीक है, फ्रॉम द 9 AM टू 4 PM। तो ओवरलैप कब करेगा, ठीक है, देखो 0 डिग्री कब बनाएगा ओवरलैप मीन्स, ठीक है, तो क्या है 9 AM टू 4 PM, ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि ये क्या हो गया आपका क्लॉक हो गया 9:03, एट, ठीक है, तो यहाँ पे 9 AM टू 4 PM बोल रहा है, तो 9 AM यहाँ पे तो हम लोग देखते हैं ओवरलैप कब करेगा, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, ओके, एंड 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, आप लोग बताओ यहाँ पे 6 होगा या फिर 7, ठीक है, तो यहाँ पे 9 से 10 1, 10 से 11 1, 11 से 2, ठीक है, 12 1, फिर 12 से 1 4, 1 से 2 1, 2 से 3 यहाँ पे 1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 होगा, 6 होगा, क्योंकि जो यहाँ पे ओवरलैप जो कर रहा है, ओवरलैप जो कर रहा है यहाँ पे 0 डिग्री में, मैंने 0 डिग्री में कुछ बताया था आप लोगों को कि 11 से 12 और 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ पे ये काउंट नहीं होता, यहाँ पे 1 बजे ही ओवरलैप होता है, 12 बजकर ही, मतलब 12 PM या 12 AM पे ही यहाँ पे ओवरलैप करता है, तो इसलिए ये जो 11 से 12 और 12 से 1 बजे का समय है यहाँ पे एक बार ही काउंट होगा, तो यहाँ पे एक इसलिए काउंट हो जाएगा, अब बाकी ये 3, बाकी ये 3, तो बनाकर कितना हो जाएगा 6। मैंने पता था मुझे बहुत लोगों का आंसर 7 आएगा, बट यहाँ पे 6 आंसर होगा, ठीक है, तो जिन लोगों को डाउट था यहाँ पे, तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इस पे बढ़ते हैं, ये पढ़ो, ए वॉच गेन्स 5 मिनट्स इन 1 आवर, ठीक है, एंड वॉच सेट राइट एट 8 AM, ठीक है, व्हाट टाइम विल इट शो एट 8 PM ऑन द सेम डे, ए वॉच गेन 5 मिनट्स इन 1 आवर, ठीक है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला गेन वाला, पहले मैं अभी कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ तब ये वाला करना, ठीक है, एक यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वाला है गेन वाला, ठीक, गेन वाला हम लोग करते हैं थोड़ी देर में, पहले आगे वाला कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, तब मैं गेन वाला लॉस और कॉन्सेप्ट समझाऊं, तब इस क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, इसको करो तब तक आप लोग, ठीक है, बाय हाउ मेनी मिनट्स डू दे डिफर एट 10 ऑन द सेम डे, ठीक है, ये उसी का क्वेश्चन है, ये वाला जो ये वाला क्वेश्चन है और ये वाला इसी एक क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं, ठीक है, ये इसको करो, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ ए क्लॉक एट 5:20 AM, ठीक है, एंगल पूछ रहा है, सिंपल से निकाल दो, थीटा है, थीटा से, ठीक है, 11/2 m -30 h, ठीक है, तो 1/1 10, आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, 40 डिग्री, ठीक है, और इसका मैं शॉर्ट ट्रिक एक बता देता हूँ, जैसे भी आपको डिग्री निकालने का आता है ना, तो यहाँ पे एक डिग्री निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि 5:20 AM लिखा है ना, जब भी आपसे कोई डिग्री पूछे ना, तो ये जो मिनट है ना ये वाला 20, इसका डबल कर दो, ×2 कर दो, सीधा 40 डिग्री, सीधा क्वेश्चन ऐसे कर दो, इतना लिखने का जरूरत ही नहीं एंगल का, जब भी मिनट रहे 5:20, 5:21, 5:25,
उसका डिग्री पूछे, तो जो मिनट है उसका डबल कर दो इंटू टू, 40 डिग्रीज का आंसर हो जाएगा। गेटिंग? अब चलो आगे चलते हैं। व्हाट विल द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है, व्हेन द टाइम इज 4420। 420 है, इसको शॉर्ट ट्रिक से करोगे कैसे करोगे, 420 है यहाँ पे, 20 into 2 कर दो ऊपर में, मिनट का मैं बोल रहा हूँ 80 डिग्री, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। 22 करोगे तो 40 होता है 40 डिग्री। अगर आप 11/2 से करना चाहोगे तो इससे भी कर सकते हो, अगर शॉर्ट ट्रिक ना याद रहे तो। 11/2 एम माइनस 30 into h, ठीक है, गेटिंग? तो यहां पे ये जो है, ये जो रेशियो है, इस क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे जो रेशियो है 5:4 जब बन रहा है, 1:4, 1:4 रेशियो बन रहा है, तो यहाँ पे इसलिए इंटू होता है। बट यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं एक चीज रॉन्ग कर दिया हूँ, यहाँ पे जो है आपका 420 जो है, 420 जो है इसका कौन सा 10 डिग्री होगा, 40 नहीं होगा, इसका 10 डिग्री होगा। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे जब 420 देख रहे हो ना, तो इसका पहले रेशियो देख लो, पहले कट करके देख लो, 4 5 20 हो रहा है, तो 1:5 आ रहा है। जब 1:5 रहे ना, तो आपको डिवाइड करना है यहाँ पे, ठीक है, इसका पहले 1/5 का जो है 420 का, इसका हाफ कर दो, ठीक है, मतलब डिवाइड बाई 2 कर दो इसको, जब भी 1:5 का रेशियो बन रहा है, और जब 1:4 का रेशियो बन रहा है तो यहाँ पे इंटू कर दो, और 1:5 बन रहा है तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो 2 10 20 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देता हूँ, याद रहेगा आप लोग को, ठीक है, जब टाइम, जब रेशियो में कट करके आपको 1:4 बन रहा है, ठीक है, तो मिनट का डबल करना, रेशियो का डबल मत करना, मिनट का डबल करना, ठीक है, और जब टाइम वन रेशियो फाइव बन रहा है तो मिनट का हाफ कर देना, बाई टू, डिवाइड टू, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोग कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा, तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रख लेना, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 7 PM एंड 2 8 PM द क्लॉक हैंड्स द ऑफ ए क्लॉक आर एट ऑन 45 डिग्री। 45 डिग्री पे आपको पूछ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो थीटा के जगह क्या लग लोगे, 45 रख लोगे, थीटा बराबर यही होता है ना 11/2 एम माइनस 30 h, 45 यहाँ रख लो, ठीक है, ठीक है, तो 11/2 एम माइनस 30 h की जगह मैंने क्या बोला था, हमें से पहले वाला टाइम लो 7 वाला, ठीक है, तो 210 ये हो जाएगा, 210 + 245 कितना हो जाएगा, जरा के 255 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो 255 11 कर लो, कितना आ जाएगा 510 आ जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा आप लोग का 46 होल 4/11, तो 7 रेशियो, या फिर आप पास्ट भी ऐसे दिया रहता है कोई क्वेश्चन में, 4/11 मिनट, ये आपका फाइनल आंसर होगा, गेटिंग? तो आई थिंक आप लोग यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग गे नोट, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इसको देख लो। एट वॉट टाइम इन मिनट्स बिटवीन 3 and 4 o'clock बोथ द नीडल वन साइड ईच अदर, ठीक है, ये भी सेम ही है, ठीक है, आपसे कौन साइड पूछ रहा है, ठीक है,
कौन सा एडमिस 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री बोल रहा है, 90 बराबर थर्टी इंटू एच, तो 180 हो जाएगा इधर आके, 180 बराबर 180 इंटू टू कितना हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ पे हो गया 90, ठीक है। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, 90 है ठीक है, 11/2, 3 3 9 हो गया 90, ठीक है। अब यहाँ पे ठीक है, अच्छा यहाँ पे एंगल नहीं पूछा है यहाँ पे, ठीक है प्रेसिशन मैं भी, यहाँ पे एंगल नहीं आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपली कर सकते हो, यहाँ पे कि थीटा बराबर कर सकते हो 11/2 एम -30 इंटू एच, ठीक है इधर 90 ले, इधर 90 आ जाएगा 180/2 कर लो सीधा, सॉरी 182/11 कितना हो जाएगा, तो ये 16/4/11 डिग्री आपका आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है गेन और लॉस का, ये क्वेश्चन बहुत ही हर एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, गेन और लॉस से क्वेश्चन बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अभी जो पिछला मैंने क्वेश्चन दो छोड़ा है, अभी मैं बता दूंगा ये कॉन्सेप्ट, एक बार पढ़ लो आप लोग अच्छे से, ठीक है, उसके बाद हम लोग वहां पे चलेंगे। समझो पहले मैं वॉच बना देता हूँ, ठीक है, दो वॉच है बना देता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग गेन पे बात करेंगे फिर लॉस पे, ठीक है। तो ठीक है, तो ये वॉच है, ठीक है समझो एक वॉच है, ये जो वॉच है ये आपको राइट टाइम बता रही थी, उसको मैं राइट से टिक कर देता हूँ, और ये वॉच जो है आपको क्वालिटी टाइम बता रही है, तो इसको मैं मतलब क्रॉस साइन से टिक कर देता हूँ, ठीक है। ये राइट क्लॉक है लेफ्ट वाला, और जो राइट में है वो आपका रॉन्ग क्लॉक है, ठीक है। ये जो क्लॉक है आपको 1 आवर में 60 मूव ही कर रही है, 1 आवर में आपको 60 मिनट हो जाए वो मूव कर रही है, ठीक है पूरे, ठीक है। तो 1 आवर में 60 मिनट होती है, ठीक है, तो ये बात तो सबको पता है, बट ये जो क्लॉक है ये हर घंटे +5 मिनट्स एक्स्ट्रा गेन कर रही है, हर घंटे 1 आवर में, ये 1 आवर में आपको +5 मिनट्स ठीक है एक्स्ट्रा गेन कर रही है, ठीक है, मतलब 1 आवर में ये 65 मिनट्स ये बता रही है, ठीक है, और ये 1 आवर में 60 मिनट ही करती है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये यहाँ पे मैं बोलूँ यहाँ पे 3 बज रहा है, ठीक है यहाँ पे मैं बोलूँ 3 बज रहा है, समझो यहाँ पे 3 PM है, ठीक है, तो 3 PM से 4 PM जाने में कितना लगेगा, 3 PM से 1 घंटे बाद 60 मिनट, 4 PM बताएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। बट यहां मैं बोल, यहां 3 PM हो रहा है,
और यहाँ पे +5 गेन कर रहा है, तो यहाँ पे 3 PM जाने में 4 PM होगा या फिर 4:05 होगा, तो यहाँ पे 4:05 PM होगा, ठीक है। उसके बाद मैं बोलू 4:05 में के बाद अगर 1 घंटे बाद फिर कितना बताएगी, तो यहाँ पे जो 65 मिनट गेन कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 5:05, उसके 5 मिनट और गेन कर रही है हर घंटे, 4:05, फिर 5:05, 1 घंटे और फिर 5 मिनट गेन करेगी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5:00 यहाँ पे 10 मिनट होगा, 10 मिनट यहाँ पे ये टाइम बताएगी, ठीक है, गेटिंग। तो यहाँ पे ये ऐसे गेन और लॉस करती है, ठीक है। अब मैं बोलूँ यहाँ पे कि राइट क्लॉक में आपके, मैं बोलूँ 3 PM से 10 PM जाने में कितना समय लगेगी, तो आप बोलोगे कि सर 7 आवर्स, सॉरी 3 PM से, ठीक है, 3 PM से मैं बोलूँ, अगर आपको 3 PM से अगर आपको 10 PM जाना है तो कितना टाइम लगेगी, 7 आवर्स, ठीक है। और मैं बोलूंगा 3 PM से यहाँ 10 PM जाने में कितना लगेगी, तो 1 घंटे में, 1 घंटे में यहाँ पे +5 मिनट गेन कर दी है, +5 मिनट गेन करती है, तो 7 आवर में कितना करेगी, 35 + 35 आवर गेन करेगी, तो यहाँ +35 कर दो, तो 10:35, ठीक है, तो 10:35 पे ये घड़ी बताएगी टाइम, हर घंटे 5 5 मिनट गेन करेगी, तो आई थिंक आपको ये गेन वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, गेटिंग। हम लोग लॉस पे आते हैं, समझो ये वॉच है, ठीक है, यहां भी 3 बज रही है, ठीक है, 3 बज रही है, ठीक है, ये राइट क्लॉक है, ये रॉन्ग क्लॉक है, ठीक है। 1 आवर में जैसे मैं बोलू यहां पे 1 आवर में 60 मिनट ही बता रही है, बट यहां जो है 1 आवर में यहां पे आपको -5 मिनट लॉस कर रही है हर घंटे, यहां पे 1 आवर में यहां पे हर घंटे लॉस कर रही है, तो 1 आवर में यहां पे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 55 मिनट्स, हर घंटे 55 मिनट्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों बात ध्यान रखना। अब मैं बोलूंगा यहाँ पे जैसे 3 बज रहा है, तो 1 घंटे बाद भी 4 बजेगा, बट यहाँ मैं बोलू 3 बज रहा है, लॉस जब हो रहा है तो रॉन्ग वाला घड़ी, 3 PM हो रहा है, तो यहाँ पर आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है, आप बोलोगे 3:55 PM हो रहा होगा, क्योंकि 5 मिनट लॉस कर रहा है ऑब्वियसली। फिर मैं बोलूंगा 1 घंटे बाद फिर कितना होगा, 3:55 से लेके 4:55 कितना हो गया, 1 घंटा, फिर 5 मिनट और माइनस करो तो कितना हो जाएगा, 4:50 PM। तो आई थिंक यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर, पूरी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गई होगी। अब 3 PM से मैं बोलूं लास्ट क्वेश्चन देते हैं, 10 PM जाने में कितना टाइम लगता है, 7 आवर्स, यहाँ भी 3 PM आने से, यहाँ पे देख लो 3 PM से 10 PM आने में 7 आवर्स लगते हैं, बट 1 आवर में ये -5 लॉस करता है, तो 7 आवर्स में कितना हो जाएगा, -35 लॉस करेगा, तो यहाँ पे 10 PM है, तो 30 पीछे जाओगे तो कितना, 9:30 होगा, तो 9:25 PM ये बता रहा हो वॉच में, ये वाला टाइम, ठीक है। आई थिंक यहां तक आप लोग, कोई जितनी बात मैंने समझाई है गेन और लॉस में, यहां तक समझ में आ गई होगी आप लोग, ठीक है, गेटिंग। तो हम लोग जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो छोड़े थे, ठीक है, उसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, तब फिर और भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे यार, ठीक है। इसको देखो आप लोग, एक
ए वॉच गेन्स 5 मिनट्स इन 1 आवर। अब आप लोग अच्छे से बता पाओगे, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताई है उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन रख रहा हूँ। ए वॉच गेन्स, ठीक है, ए वॉच गेन्स 5 मिनट इन 1 आवर एंड वॉज सेट एट 8 AM, ठीक है, 8 PM पे कितना कितना ये उसी दिन आपको 8 PM पे ये कितना टाइम बताएगा, ठीक है, एट व्हाट टाइम इट विल शो एट 8 PM, ठीक है। तो देखो कितना बताएगा ये, चलो देखते हैं। एक एक घड़ी है, ठीक है, 8 AM पे सेट है, हर घंटे ये +5 मिनट्स आपको गेन कर रही है, ठीक है, और आपको 8 PM तक जाना है। तो 8 AM टू 8 PM जाने में आपको टोटल 12 आवर्स लगते हैं, ये बात तो सबको पता है, ठीक है। तो 1 घंटे में 5 मिनट गेन कर रही है 1 आवर में, तो मैं बोलूंगा 12 आवर में ये कितना गेन करेगी, आप बोलोगे 60 मिनट, मतलब 1 घंटा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे 8 AM से 8 PM जाने में इसको 60 मिनट्स यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बताएगी, तो 8 AM से यहाँ पे जो करेक्ट टाइम है यहाँ पे 9 PM शो करेगी, क्योंकि 60 मिनट यहाँ पे ये गेन कर लेगी। तो यहाँ पे 8 PM से 1 PM आगे बढ़ाओगे तो बढ़ा दोगे तो यहाँ पे 9 PM ये शो करेगी, ठीक है, गेटिंग। हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसका मैं आई थिंक लगता है पहले वाला क्वेश्चन लगता है छूट गया मैं, बट इसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, कि देर आर टू क्लॉक्स बोथ सेट एट द करेक्ट टाइम एट 9 AM, ठीक है, मतलब देर टू क्लॉक है और जो दोनों क्लॉक है, दोनों जो क्लॉक है वो 9 AM पे सेट है, समझो ये 9 AM पे सेट है, ठीक है। 1 क्लॉक लॉस 1 मिनट एवरी आवर, ठीक है, एंड वो अदर अदर क्लॉक गेन्स जो है वो 1 मिनट एवरी आवर, मतलब एक जो क्लॉक है वो 1 मिनट लेस कर रहा है हर 1 घंटे में, और जो दूसरा क्लॉक है वो +1 मिनट हर 1 घंटे में यहाँ पे गेन कर रहा है, इसलिए प्लस गेन है और माइनस लॉस, ठीक है। तो मैं बोलू यहाँ पे, अगर मैं बोलूं तो 1 घंटे बाद दोनों के बीच में जो गैप रखना होगा तो यहाँ पे कितना रहेगा गैप, ठीक है, दोनों के बीच में गैप कितना होगा, -1 से 1 आएगा तो 1, फिर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 रहेगा ना, इसके बीच दोनों का जो बीच का अंतर होगा 0 बीच में रहता है, आप जैसे कि नंबर लाइन पढ़ते हो यहाँ पे 0 रहता है ना बीच में, तब तो इधर 1 होता है फिर इधर माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले -1 से 0 आएगा, फिर 0 से 1, तो दोनों के बीच का कितना हो जाएगा गैप, 2 मिनट्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 1, तो 2 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि 2 मिनट लगे हैं 1 आवर में, ये क्वेश्चन अलग है, मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा अभी, 2 मिनट इन 1 आवर, ठीक है। करेक्ट टाइम तब आएगा, ठीक है, जब आप ओवरलैप करोगे, ठीक है, तो करेक्ट टाइम कब आएगा, जब आप एक के बाद एक, मतलब दोनों से एक एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगी, जैसे 12 PM 1, ठीक है, तो ओवर जब ओवरलैप करती है जब करेक्ट टाइम आता है, तो ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे बेसिकली 12 आवर्स का गैप लेना है ताकि दोनों ओवरलैप कर जाए, ठीक है, क्योंकि 12 आवर्स का गैप लोगे तभी तो एक ओवरलैप करती है घड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ 2 आवर, 2 मिनट 1 आवर है, तो 2 इंटू यहाँ पे मैं 60 कर दूँ तो यहाँ पे कोई दिक्कत है आप लोगों को, सॉरी 2 इंटू 30, इधर भी 30, इधर 30 कर रहा हूँ, तो क्योंकि मैं यहाँ पे 60 60 मिनट हो जाएगा यहाँ पे, तो 60 मिनट को मैं 1 आवर भी बोल सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 60 मिनट को मैं
1 आवर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। इधर 30 आवर, 30 आवर ही रहेगा, तो 12 आवर में कितना हो जाएगा? थ्री सिक्सटी, 12 से 36, 360 आवर, ठीक है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आपसे यहाँ डेज पूछ रहा है ना, मैं बोलूँ कि मैं आपसे पूछ रहा था यहाँ पे कि बोथ सेट जो थे वो 9 AM पे थे, तो यहाँ पे वो करेक्ट टाइम कब बताएगा? ठीक है, तो डेज में अगर पूछूँ आपसे, एक दिन में 24 घंटा होता है, 360 बाई 24 कर दो, 15 डेज हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर 15 डेज ये करेक्ट टाइम बताएगा, ठीक है। मैंने क्वेश्चन अभी बताया। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं, बाय हाउ मेनी मिनट्स डू दे डिफर एट 10 ऑन द सेम डे, मतलब डिफर कब करेगी, ठीक है। 9 से लेकर 10 बजे के बीच का अंतर आपको बताना है, तो इसको मैं तब तक इरेज कर देता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे 9 AM से आपको 10 PM बताना है, यहाँ पे, यहाँ PM था, ये PM छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाए 9 AM से 10 PM पर? 13 आवर। बट 1 आवर में, यहाँ मैं बोला हूँ 2 मिनट का गैप है, ठीक है। तो 13 आवर में 13 into 2 26 मिनट का डिफर करेगा, क्योंकि इतना डिफरेंस में बताया था ना, 2 मिनट्स का, 2 मिनट का डिफरेंस कितना करेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करो आप लोग। देर आर टू क्लॉक्स, ठीक है, बोथ सेट टू शो द करेक्ट टाइम 9 AM, ठीक है, दोनों 9 AM शो कर रही है, ठीक है। वन लॉसेस 1 आवर एवरी एंड, अच्छा ये क्वेश्चन मैं अभी करा दिया हूँ ना, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी मैंने करा दिया है, देयर वाला, ठीक है, जो ये क्वेश्चन है बता रहा था, एंड वन गेंस, तो इसका आंसर यही वाला था जो मैं अभी कराया हूँ, ठीक है, लास्ट में ये वाला गेंस वाला 15 डेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, चलो आगे आगे चलते हैं। देर आर टू क्लॉक्स ऑन वॉल, ठीक है, देर आर टू क्लॉक्स ऑन ए वॉल सोल्ड सोल्ड द करेक्ट टाइम एट 12 नून, ठीक है, 12 बज रहा है, ठीक है, यहाँ 12 बज रहा है, एंड यहाँ पे बोल रहा है टू क्लॉक्स द क्लॉक द टू क्लॉक गेन 1 मिनट एंड मिनट मिनट इन एन आवर, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो 2 क्लॉक है 1 मिनट गेन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, एवरी आवर। व्हेन द क्लॉक गेनिंग लेस सोज 4:16 नेक्स्ट डे, ठीक है, 4:16 नेक्स्ट डे बता रहा है, तो यहाँ पे द टाइम विल, द टाइम इन द अदर क्लॉक विल बी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो टाइम यहाँ पे अदर क्लॉक कितना होगा यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलो आप लोग करो इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है इसमें, 1 सेकेंड, इसका मैं जो ऑप्शन दिया हूँ वो चेक कर लो कि सही है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ अब आते हैं इस पर, हाँ ऑप्शन सही है, आप लोग आई थिंक यहाँ पे कर लोगे। तो यहाँ बोल रहा है 12 बज रहा है यहाँ पे, ठीक है, 12 बज रहा है, 12 नून, तो 12 बजे से लेके यहाँ पे बोल रहा है 4:16 पर, ठीक है, नेक्स्ट डे, ठीक है, 4:16, ठीक है, ये यहाँ पे PM पे है, यहाँ पे AM पे है, नेक्स्ट डे बता रहा है, तो इसको मैं आपको लिख सकता हूँ 16:16, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, 4 को तो हम लोग 16 बोल सकते हैं ना। तो मैं बोलू कोई क्लॉक अगर एक एक आवर में, 1 आवर में अगर 1 मिनट गेन है,
एक आवर में 1 मिनट है, ठीक है, बोल रहा है ना यहाँ पे, 1 आवर में 1 मिनट, 2 क्लॉक्स 1 मिनट, ठीक है। तो 16 घंटे में 16 मिनट, ठीक है, गेटिंग। उसी तरह यहाँ पे 1 आवर में 2 मिनट है, 16 आवर में 32, ठीक है। यहाँ पे एक चीज छूट गया, आई थिंक द 2 क्लॉक्स गेन है यहाँ पे, 1 मिनट एंड 2 मिनट है, यहाँ पे 1 मिनट है एंड 2 मिनट यहाँ पे छूट गया। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो 1 आवर में जब 1 मिनट कर रहे हैं पहला क्लॉक, दूसरा क्लॉक 1 आवर में 2 मिनट कर रहा है, तो 16 बड़े 32 मिनट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे यही था क्वेश्चन, यही तो यही बन गया, तो 4:32 बताएगा ये एएम पे। मैं यहाँ पे 16 आवर्स इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 12 से 12 तो आप लोग नून से फिर रात जोड़ोगे ना, तो वो कितना हो जाएगा, 12 घंटा, 12 से 12 12 घंटा, फिर 4 तो जाएगा ना वहां पे 4, तो ये 4 जोड़ लो तो 16 घंटा यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, 4:32 ए एम, गेटिंग। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, 2 क्लॉक्स सेट एट 2 AM, ठीक है, 2 क्लॉक सेट एट 2 AM, बट वन ऑफ देम इज फॉल्टी एंड गेन्स 10 सेकेंड एवरी मिनट, वट इज द टाइम इन द फॉल्टी क्लॉक वेन द एक्चुअल टाइम इज 10, ठीक है। मतलब 2 क्लॉक है यहाँ पे जो सेट है 2 AM पे, बट वन ऑफ देम इज फॉल्टी है यहाँ पे एंड गेन्स 10 सेकेंड एवरी मिनट यहाँ बोल रहा है। वहां पे तो मैं मिनट वाला बता रहा था, हर मिनट में यहाँ पे गेन करता था, बट यहाँ पे सेकेंड है, मतलब गेन्स 10 सेकेंड एवरी मिनट। वट इज द फॉल्टी क्लॉक वेन द एक्चुअल टाइम इज क्लॉक, मतलब फॉल्टी क्लॉक क्या होगा, ठीक है, व्हेन द एक्चुअल टाइम इज 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये मान लो ये करेक्ट क्लॉक है, ये रॉन्ग है। तो ये 2 AM है यहाँ पे, 2 AM सेट है यहाँ पे, ये 2 AM यहाँ भी सेट है क्योंकि दोनों राइट और रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने में एक्चुअल टाइम यहाँ पे 10 PM है, यहाँ भी 10 PM लग रहा है, ठीक है, गेटिंग। तो 2 AM से 10 PM जाने में कितना लगेगा, 2 AM टू पहले 2 PM करो, कितना, 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स हो गया, और उसमें कितना 8 आवर्स और जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 20 आवर्स लगता है, 20 आवर्स लगता है। और यहाँ पे बोल रहा है 1 मिनट में प्लस 10 सेकेंड यहाँ पे गेन कर रही है, मैं प्लस लगाया कि गेन कर रही है, तो 1 मिनट हुआ है बोलो 60 सेकेंड में, 1 मिनट 60 सेकेंड होती है, तो यहाँ पे 10 सेकेंड हो जाएगा प्लस 10 सेकेंड यहाँ पे गेन कर रही है। और मैं बोलूँ यहाँ पे 60 मिनट मतलब 1 आवर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 सेकेंड, 10 मिनट गेन करेगी, ठीक है, तो 60 मिनट मतलब 1 आवर में 10 मिनट, ठीक है, उसको मिनट में हम लोग ले आए। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ 20 आवर में, 20 आवर में कितना होगा, 20 हम लोग आवर में ले आए, तो 20 आवर में 10 मिनट है, मतलब 1 आवर में से 10 मिनट, 20 आवर में 200 मिनट, बस हो गया, 2 मिनट, 200 मिनट को तोड़ लो यहाँ पे, कितना 180 मिनट्स कितना हो जाएगा, 3 आवर, 3 आवर 20 मिनट, 200 मिनट को ऐसे बोलो 3 आवर 20 मिनट, ठीक है, तो 3 आवर 20 मिनट यहाँ पे एक्स्ट्रा लेगा, तो यहाँ पे 10 PM नहीं शो करेगा डोंग भी, डोंग क्लॉक जो है ये 3 आवर मतलब 10 11 12 1 1 1:20 AM
ये घर ही में शो करेगा। आई थिंक यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई। मैंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, एक रॉन्ग क्लॉक था, एक सही वाला। सही वे 20 घंटे लगे 2 बजे से लेके 10 बजे जाने में, बट जो रॉन्ग क्लॉक है यहाँ पे 2 AM से 10 PM जाने में, आपको यहाँ पे आपको एक एक मिनट में यहाँ पे हर एक मिनट में वो 10 सेकेंड गेन कर रहा था। तो मैंने सेकेंड में पहले लाया, फिर मिनट में उसको लाया, मिनट में जाकर उसको 200 मिनट एक्स्ट्रा लिए, फिर 200 मिनट को हम लोग यहाँ पे चेंज किए, 3 आवर 20 मिनट होता था। तो उसी तरह फिर 10 AM से 3 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा लेगा, 3 घंटे 3 घंटे 20 मिनट। उसी तरह से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब चलो आगे चलते हैं। आकाश सॉ द क्लॉक व्हेन इट वाज राइट एट 8 AM, ठीक है। आकाश ने, ठीक है, ऑब्जर्व किया, तो यहाँ पे बोल रहा है 8 AM पे, तो क्लॉक जो गेन कर रहा है 5 मिनट एवरी आवर है, तो वही बोल रहा है कि इट इज शोन एट 8 PM एट द सेम डे, मतलब 8 PM शो करेगा वो, तो यही इसको कर लो। ए टी एम है ये, राइट है ये, रॉन्ग है। मैं राइट वाला बोल रहा है 8 PM पे जाएगा, कितना और लगेगा? 12 घंटे, मैंने ऐसे अप्रोच बताया हूँ ये वाला। इसको कितना लगेगा यहाँ पे? हर एक घंटे 5 मिनट बढ़ रही है, तो 1 आवर में 5 मिनट, तो 12 घंटे में 60। ठीक है, तो यहाँ पे 9 PM होगा क्योंकि 1 घंटे एक्स्ट्रा लेगी। ठीक है, तो 9 PM यहाँ पे आंसर होगा आपका। गेटिंग, आई थिंक ये क्वेश्चन तो इजी सा था। अब आगे चलते हैं। राजू ऑब्जर्व डेट वॉच लॉसेस 5 सेकेंड एवरी आवर, ठीक है, इन 1 आवर, तो विच वॉज सेट एट 7 AM, विल इट शोज 2 PM ऑन द सेम डे, तो 2 PM शो करेगी नहीं। तो यहाँ पे एक रॉन्ग है, यहाँ पे एक सही वाला है, मतलब एक सही एक रॉन्ग ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलू 7 AM पे दोनों सेट है, ठीक है, तो गेटिंग 7 AM से 2 PM जाने में, ठीक है, यहाँ पे लगेगा, तो 7 AM से 2 PM जाने में 7 आवर्स लगेंगे हम लोग को, और 7 AM से हम लोग को यहाँ पे 2 PM शो करेगा कि नहीं उसको पहले चेक कर लो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है 1 आवर में 5 मिनट की लेस कर रही है, तो 1 आवर में हम लोग बोलेंगे माइनस लगाओ चाहे ना लगाओ, मैं तो आपको समझाने के लिए लगा रहा हूँ, यहाँ पे -5 मिनट लेस कर रही है, तो यहाँ पे 7 आवर करने में कितना लेस करेगी? 7 आवर्स में 7 × 5 = 35, -35 मिनट लेस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 PM के बजाय यहाँ पे 1:25 PM हो रही है, सॉरी यहाँ पे सेकेंड है ना, 5 सेकेंड लेस कर रही है, नंबर सेम रहेगा बट यहाँ पे सेकेंड हो जाएगा, 35 सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे 159, 60 में से 35 माइनस कर दो सेकेंड, तो 25 सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपको फाइनल टाइम बता रहे कि 159 25 सेकेंड। ठीक है, गेटिंग, आई थिंक यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को करो, ठीक है। तो गाइस हम लोग, ए वॉच इज 1 मिनट स्लो एट 1 PM ऑन ट्यूजडे, 2 PM 2 मिनट फास्ट एट 1 PM ऑन थर्सडे, ठीक है, व्हेन डिड इट शो द करेक्ट टाइम, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे 1 PM ऑन ट्यूजडे, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ट्यूजडे है, 2 PM फास्ट ऑन थर्सडे है, ठीक है, तो कब ये करेक्ट टाइम बताएगी, तो हम लोग देखते हैं पहले। तो यहाँ पे एक तीन चीज आपको लगेगी, फर्स्ट आपको पहले ट्यूजडे लिख लो, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, ठीक है, ट्यूजडे में ये जो थी, ठीक है, ऑन ट्यूजडे
1 मिनट यहाँ पे स्लो थी, ठीक है, 1 मिनट स्लो एट 1 PM, ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 PM पे थी, तो -1 से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, 1 मिनट स्लो थी, वेडनेसडे पे आएगी 1 PM पे, थर्सडे में भी 1 PM पे आएगी, है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब देखते जाओ आप लोग, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम भी क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पे ये जो है थर्सडे में ये 2 मिनट फास्ट हो गई, ठीक है, प्लस 2 यहाँ पे आपको फास्ट हो गई, प्लस 2 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, +2 मिनट में लिखना छोड़ रहा हूँ कि आप सब जने यहाँ -1 लॉस कर रही थी, यहाँ +2 गेन कर रही थी, तो मैं बोलूंगा 1 PM से 1 PM जाने में नेक्स्ट दिन तो कितने घंटे लगेंगे, 24 घंटे, फिर 1 PM से नेक्स्ट दिन 1 PM जाने में यहाँ पे कितने लगेंगे, 24 घंटे, ठीक है, तो इस दोनों मिला के कितने होंगे, 48 आवर्स। यहां तक बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई, तो मैंने जो किया यहां पे मैंने लिखा ट्यूजडे मिडनाइट थर्सडे, दोनों सबका मैंने टाइम लिख दिया 1 PM 1 PM 1 PM, उसके बाद 1 PM से 1 PM जाने में, ट्यूजडे से वेडनेसडे जाने में 24 घंटे, वेडनेसडे से जाने में यहाँ पे थर्सडे को यहाँ पे 24, दोनों मिलाकर 48 आवर्स लगती है। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे जो 1 मिनट लॉस कर रही और यहाँ पे गेन कर रही, तो इसको अलग से लिखते हैं, यहाँ पे 1 मिनट लॉस कर रही है ट्यूजडे, ठीक है, फिर यहाँ पे 0 लुक, फिर उसके बाद +2, -1 से पहले 0 आने में यहाँ पे कहने कितना लगेगा, यहाँ पे +1 मिनट तो चलेगी ना यहाँ पे, फिर 0 से +2 आने में यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे 2 +2, तो यहाँ पे 3 मिनट यहाँ पे लगेगी, यहाँ से यहाँ आने तक, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी कराई है, पहले 0 पे आएगी तब तो 0 से +2 पे जाएगी, कितना डिफरेंस होगा यहाँ पे 3 मिनट का, तो 48 आवर्स में बोलू 3 मिनट्स का डिफरेंस मिलता है यहाँ से यहाँ आते हैं, मतलब -1 से +2 जाने में, ठीक है, तो मैं बोलूँ यहाँ पे 3 मिनट जो कवर करेगी ये 48 आवर्स में, ठीक है, 1 मिनट कवर कितने घंटे करेगी, 16 आवर्स में, 3×3 18, 16 आवर्स में, ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो थर्सडे से यहाँ पे क्या मतलब वेडनेसडे को क्या क्या शो करेगी, 16 आवर्स, मतलब 1 PM से 1 PM, ठीक है, कितना हो गया 12 घंटा, उसमें आप लोग 4 और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 PM पे 4 और जोड़ दो, 4 घंटे, ट्यूजडे से वेडनेसडे जाए कितना हुआ, 5 AM, ठीक है, ठीक है, 16 आवर्स जोड़ दिया, ठीक है, ट्यूजडे का 1 PM से, ट्यूजडे के 1 PM से जोड़ दो यहाँ पे, 1 PM से मैं बोल रहा हूँ 16 आवर्स में, मतलब एक तो आपको 1 AM फिर 5 AM बता रही होगी वेडनेसडे, तो ये करेक्ट टाइम आपको 5 AM वेडनेसडे शो करेगी, ठीक है, तो आई थिंक ये स्टेप 1 था, स्टेप 2 था ये, स्टेप 3 था ये, स्टेप 4 पे आप लोग को आंसर फाइनल आ जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, पहले दोनों को मैंने टोटल आवर्स निकाला 48 आवर्स, फिर पहले मिनट पे मैंने काम किया कितना डिफरेंस आता है 3 मिनट का आता है, फिर 16 आवर्स आया, फिर 16 आवर्स आप लोग निकाल लो मतलब 1 बजे से, फिर ठीक है, मतलब ट्यूजडे को जब 1 PM पे इतना बता रहा था, ठीक है, 1 PM से लेकर 16 आवर्स बाद कितना होगा, 5 AM होगा, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करो आप लोग भी, एक क्लॉक इज सेट एट एग्जैक्टली 10 o'clock, ठीक है, 10 बज रहा है, ठीक है, द क्लॉक एडवांसेस 60 मिनट इन 24 आवर्स, व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स इन फोर इन द इवनिंग ऑन द सेकेंड डे, मतलब 4 बजेगा नेक्स्ट डे में, ठीक है, तो व्हाट विल द करेक्ट टाइम, ठीक है, तो मानते हैं ये वाला राइट क्लॉक है, ये वाला रॉन्ग क्लॉक है, ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है 10 बज रहा है,
ठीक है, और यहाँ पे भी 10 बज रहा है फॉल्टी क्लॉक में, रॉन्ग क्लॉक। ठीक है, अब 10 बजे से यहाँ पे 4 बजे जो मैं बोलूंगा यहाँ पे, हर घंटे यहाँ जो है 24 आवर्स, मतलब द क्लॉक एडवांस 60 मिनट इन 24 आवर्स। ठीक है, 60 मिनट्स इन 24 आवर्स हो रही है। ठीक है, एंड वेन द क्लॉक स्ट्राइक 4 इन द इवनिंग ऑन द सेकेंड डे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको मैं बोलूंगा 10 से 11 जाने में तो इसको 1 ही घंटे लगेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 घंटे लगेगी। ठीक है, उसके बाद आपको बोलना है 10 से यहाँ पे नेक्स्ट डे इवनिंग स्ट्राइक्स कर रहा है 6:04 पे, तो 4 PM पे आपको क्या करेगी, टोटल यहाँ पे आपको कितना लगी जाएगी। ठीक है, कितना लग जाएगी, 10 से पहले 10 देखो 24 घंटा, फिर 10 से 4 कितना 30 आवर्स, 30 आवर्स लगती है। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन ने बोल रहा है कि मतलब यहाँ पे 4 बजे तक जाएगी ये वाली। ठीक है, व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक 4 इन द इवनिंग ऑन द सेकेंड डे, 40 वाला। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो सही वाला वॉच है वो करेक्ट टाइम कब बताएगी। ठीक है, ये कितना आवर्स लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग निकालना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मैं बोलूंगा ये जो क्लॉक है 60 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा ले रही है ना, तो मैं बोलूंगा 1 आवर, एक एक क्लॉक जो है 25 आवर, 40 क्लॉक तो आपको 25 आवर्स लेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा मतलब 60 मिनट्स एक्स्ट्रा है, तो 60 मिनट 8 आवर, और जो सही क्लॉक है वो आपको 24 आवर्स ही लेगी। तो इसके इक्वल होगा, ठीक है, इसके इक्वल ही ना होगा, क्योंकि 40 क्लॉक है वो 60 मिनट एक्स्ट्रा ले रही है, तो 25 आवर्स हो जाएगा, तो 25 आवर्स इक्वल टू 24 आवर्स। अब बोलूंगा 1 आवर में कितना हो जाएगा, 24/25 होगा। अब यहाँ 30 आवर में पूछ रहा है, तो ट्वेंटी फाइव इंटू 30 होगा 5 5 5 6 कितना हो जाएगा, 28, 144 हो जाएगा यहाँ पे, 144 बाई 5। ठीक है, तो 28 होल 4/5 मिनट्स आ जाएगा। 4/5 को आप मिनट में कर लो। ठीक है, तो 4/5 इंटू 60 कर लो, 5 को 12, 48, तो 28 आवर 48 मिनट आपको यहां से 10 बजे से यहां पे आने में लगेगी। ठीक है, 28 आवर 48 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लो 10 बजे से लेके, यहाँ पे 10 बजे से लेके फिर 10 कितना हो जाएगा यहाँ पे, 10 AM टू 10 PM। ठीक है, AM या PM रहे, ठीक है, 10 से 10 आपका हो गया, फिर 10 से 4 और जोड़ लो। ठीक है, 28 है तो 11 12 1 2, ठीक है, 2:48 यहाँ पे रहेगी, करेक्ट टाइम्स होकर रहेगी 2:48 PM या AM जो भी बोलो। ठीक है, तो यही था ये क्वेश्चन में, कुछ नहीं था, आपको सीधा रॉन्ग और राइट दिया हुआ था क्लॉक में। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे 10 बज रहा था, फॉल्टी क्लॉक जो था वो 60 मिनट गेन कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे 25 आवर लिखा। सही क्लॉक था वो, मतलब एक दिन में 24 घंटे ही चल रहा था, फिर उसके बाद मैंने आवर निकाल लिया। ठीक है, तो उसी तरह आपको ये करना था। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। हाउ मच डज ए वॉच लॉस पर डे इफ द हैंड कॉइंसाइड एवरी 64 मिनट्स।
तो जब भी देखो कौन साइड वाला क्वेश्चन है ना, मतलब हाउ मच वॉच लॉस, ठीक है, इफ द हैंड्स कौन साइड एवरी 64 मिनट, ऐसे बोले तो ये बात ध्यान रखना, 65 होल, 5/11 जो रहता है वो हर मिनट, और आवर की सुई जो होती है 65 होल 5/11 मिनट पे आपको मिलती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, मतलब जब भी बोले आपसे कौन साइड का, तो ये बात ध्यान रखना है कि 65 होल 5/11 मिनट पे हर एक आवर और मिनट हैंड मिलती है, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को करते हैं हमने, बट ये क्वेश्चन में आपको जो कौन साइड कर रही है वो 64 मिनट में ही कर गई, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे 64 मिनट। ये तो इतना पे करना था ना, बट ये 64 मिनट पे ही कर गई, तो यहाँ पे हम लोग 64 मिनट करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा, 1 होल 5/11, ठीक है, 11/11 16, 16/11 मिनट हो जाएगा, ठीक है, गेटिंग। तो 64 मिनट में सिक्सटीन बाई इलेवन मिनट 1 मिनट में 16/11 into 64, उसी के बाद मैं बोलूँ यहाँ पे 24 घंटे बताना है, पर डे बता रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पर डे का निकालना है, 24 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 1 घंटे 60 होता है ना, ठीक है, into 60, तो यहाँ पे कितना होगा, 16/11, ठीक है, into 64 था यहाँ पे, 24 into 60, ठीक है, कट कर लो, 16 4 4 को 15 बार में इधर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 360/11, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 32 होल 8/11 मिनट, ये आपका फाइनल आंसर, मतलब एक दिन में ये 32 होल 8/11 मिनट ये लॉस करेगी एक लॉक, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो मैंने बताया कि मतलब ये बात हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है, 65 होल 5/मिनट, ठीक है, 5/11 जो है वो हर एक आवर और मिनट हैंड इतना मिनट, मतलब इतना नंबर पे मिलती है, 65 होल 5/11 मिनट पे ये मिलती है, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन वाला ये कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी होता है, ये सब क्वेश्चन देखने देख सकते हो, जैसे कि कोई क्लॉक है यहाँ पे, मैं बोलूंगा यहाँ पे पहले घड़ी बना लूं, ठीक है, ठीक है, डिफ्लेक्शन में आपको हमेशा ऐसे ही दी रहेगी, ठीक है, ऐसे आपको दी रहेगी, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है जब 3/15 है जब सही मिनट में, तो रिफ्लेक्शन इसका क्या बनेगा, तो रिफ्लेक्शन इसका क्या बनेगा आप लोग बताओ, इसको 3/15 का 3 बजे का मैं बता, पहले बताओ आप लोग 3 PM का कितना बजेगा, 3 PM का वो इधर आ जाएगा तो रिफ्लेक्शन होके इधर आएगा, इसका जो ये वाला साइड है इसका ये मतलब आवर वाला इधर आएगा, मिनट वाला ऊपर ही रहेगा। अब मैं जब बोलूंगा यहाँ पे आपको 3:15 का, 3:15 का अगर मैं बोलूंगा आपसे, तो इसका आवर हैंड यहाँ पे रहेगा और 3:15 का यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद इसका जो है इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, रुक जाना, ठीक है। तो ये 3 जो है यहाँ पे ये इधर आएगा, इसका जो ये वाला है ये पोर्शन इधर रहेगा आवर वाला,
और ये इधर रहेगा, तो 8, तो 8:45 ये बताएगा, 8:45, ठीक है, गेटिंग। और एक बात इसका मैं बता दें, शॉर्ट ट्रिक, एक होता है आपका 11:60, एक होता है आपका 23:60, 23 और 60, बस इस दोनों कॉन्सेप्ट को याद रखो रिफ्लेक्शन में। 11:60 जो होता है वो कोई भी अगर आपको दी रही क्लॉक में तो आपको माइनस कर देना है 11:60, 3:15 है तो दी रही, बट 23 और 60 तब माइनस करोगे जब घड़ी की आपके कोई क्वेश्चन में 11 से लेके 1 बजे के बीच में कोई टाइम दी भी है तो आपको 23 से 60 मायने माइनस करना है। बट अगर कोई भी और भी 11 बजे से 1 बजे के बीच में कोई और टाइम दे रहा है तो आपको 11:60 करना है। जैसे कि यहाँ पे 3:15 दिया रहे तो 3:15 से माइनस करेंगे क्योंकि 11 से बीच के बीच में नहीं आता है, तो ये कितना हो जाएगा आपको 45, और ये कितना हो जाएगा आपको 8, तो आपको 8:45 आ गई, ठीक है, गेटिंग। तो आगे बढ़ते हैं, टाइम अपीयर्स इन द मिरर 11:09, ठीक है, व्हाट द टाइम अपीयर इन द क्लॉक, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखो फिर 11 आ गया तो हम लोग किससे करना होगा माइनस, 23:60 से, 23:60 से तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 1:05, 12:50, सिंपल सा इक्वेशन कर लो। इसी तरह फटाक से ये वाला भी कर लेते हैं हम लोग, 9:27 हो रहा है तो यहाँ पे 11:60 से करेंगे क्योंकि ये 12 से 1 के बीच में नहीं है, ठीक2:33, 2:33 यहाँ पे हो रही, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं, ये आई थिंक कॉन्सेप्ट समझ ही हो गया आप लोग। अब आते हैं वाटर इमेज पे, वाटर इमेज जो आपका होता है जैसे ये क्लॉक दी रहेगी आपको, तो आपको वाटर इमेज में ऐसा कुछ नीचे दी रहती है ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसका नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, ठीक है, वो क्या होता है ऊपर चला जाता है। जैसे कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ अभी, एक जैसे एक लॉक है उसका वाटर मीर इमेज समझो या नीचे बना रहे, मैं जान उसके नीचे बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ठीक एक लॉग बना लेता हूं मैं, ठीक है, तो समझो ये लॉग है दोनों, थोड़ा सा आई थिंक गड़बड़, ठीक है लॉग है समझो, ठीक है। तो यहां पे समझो कि यहाँ पे जैसे कि 8:10 हो रही है, यहाँ पे 8:00, यहाँ पे समझने से मतलब है 8:10 यहाँ पे हो रही है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा वाटर इमेज में कितना होगा, ठीक है, वाटर इमेज में कितना होगा, ये जो मिनट हैंड है ये क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, मैं बोलता हूँ यहाँ पे नीचे आता है वाटर इमेज में, ठीक है, और जो आपका डिफ्लेक्शन होता है वो आपका सामने रहता है, बट ये जो वाटर इमेज में आपका वो उल्टा हो जाता है, और ये जो है वाटर इमेज में आपका नीचे आ जाता है, और वो आपका साइड में मतलब राइट का लेफ्ट हो जाता है, बट यहाँ पे अपर का लोअर हो जाता है इसमें, तो यहाँ पे जो मिनट हैंड है वो 2 पे यहाँ पे 4 पे आ जाएगा, 4 पे आ जाएगा, और 8 पे है यहाँ पे, ये जो 8 पे है वो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे 7 और 8 के जो बीच में है यहाँ पे इधर आ जाए, ठीक है, ठीक है।
9:20 यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो 8:10 है यहाँ पे, मैं थोड़ा सा ये जो है ये वाला जो सुई है ये थोड़ा यहाँ पे रहेगा, तो इसीलिए ये भी थोड़ा आगे बढ़ेगा 9 से लेके आगे, तो 9 और 10 के बीच में से 9:20 बनेगा और यहाँ पे 8:10 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, यहाँ पे 18:30 मतलब 18:30 और 17:90 से यहाँ पे आपको माइनस करना होगा कोई भी नंबर, ठीक है, मैं घटा देना आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएगा। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 18:30 से, तो यहाँ पे 18:30 से आपको एट टेन माइनस कर दो, तो आप लोग बोलोगे तो आपने तो ये कॉन्सेप्ट गलत बताया था कि आप 9:20 आ रहा है एक्चुअल आंसर। देखो कभी कोई एग्जाम में ना ऑप्शन में आपको 9:20 जो हम लोग ऐसे निकालेंगे 9:20 आएगा, बट आपको जब इस ट्रिक से निकालो 10:20 आ रहा है, तो समटाइम्स आपको जब ऐसा आगड़ आए आवर ज्यादा आ रहा है तो आप लोग उसको एक माइनस कर देना, सिर्फ एक माइनस कर दोगे तो आपका 9:20 आएगा। मैं बोलूंगा मिनट नहीं, उसका जो आवर एंड रहेगा वो 9:20 कर देना, ठीक है, मतलब एक आवर माइनस कर दोगे तो सेम एग्जैक्ट आपका 9:20 आएगा। अभी हम लोग आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो, यहाँ पे बोल रहा है रियल टाइम इतना, तो वाटर इमेज में कितना होगा, ठीक है, तो इसको 18 से माइनस करो, ठीक है, माइनस करो, ठीक है, व्हाट इज द टाइम है, ठीक है, रियल टाइम इतना है, ठीक है, तो 17:90 से भी कर सकते हो, ठीक है, 18:30 से भी कर सकते हो। देखो 18:30 से करोगे ना तो यहाँ पे एक दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा 30, इसलिए हम लोग 19:17:90 से करते हैं, 17:90 से, तो यहाँ पे 7:35 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5 इधर 5 इधर और फिर तो 0, 10:55 पे 10:55 यहाँ पे होगा, गेटिंग, ये यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8:52 हो रहा है, 52 यहाँ पे 18:30 से करोगे तो छोटा हो जाएगा, 17:90 से करो, ये 17:90 से करो, 8:52 एट ये 9 हो जाएगा, 9:30 ये टाइप का आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप लोग क्लॉक चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, यहाँ तक यहाँ पे हम लोग क्लॉक सेशन एंड होता है, और मैंने यहाँ पे सारे तरह के क्वेश्चंस आपको लोगों करा दिए हैं जो एग्जाम में आपसे एनमेट स्नैप और टेस्ट नेट और जितने भी एमबीए एग्जाम से वो आपसे पूछे जाएंगे, सब इसी में से ही रहेगा, आपसे आपको इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने जितने भी टाइप्स कराए हैं और यहाँ पे आपको मैंने हर एक लेवल है क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, इससे टफ नहीं आने वाला है आपको, ठीक है, और आई थिंक वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो क्लाइंट कैलेंडर्स पे रहेगा, उसमें भी 2-3 पार्ट बनेगी, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहना ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए, और आपको कोई भी डाउट्स आई होगी दोनों सेशन में, इसमें या फिर लास्ट सेशन में, तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।